Hello, 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 welcome to my channel. Guys, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पहला इंसान ऐसा देखा है जो बैन के बाद इतना ही खुश हो गया है। दुखी तो दुख दुख तो था भाई, दुख दिखा दुख नहीं था रहे। लेकिन अभी क्या ही बोले यार, आदत छूट गई भाई इंस्टाग्राम यूज करने के। पता 3 दिन से जरा जब खोल रहा हूँ, वी आर वेरी सॉरी, यू आर अंडर रिव्यू, योर प्रोफाइल इज अंडर रिव्यू। इतना रिव्यू कास्टिंग डायरेक्टर्स कर लेते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। बात तो सही है पर कोई बात नहीं है, भगवान जिसके साथ है, जिसके साथ महादेव है, उसको क्या डर रहा है यार। इंस्टाग्राम आईडी बैन करा करके क्या कर लेगा कोई। अरे महादेव है मेरे साथ, महादेव। भगवान जिसके साथ होते हैं ना, उसका कोई एक बाल भी बाका नहीं कर पाता। इंस्टाग्राम बैन कर ली तुमने, मेरी जिंदगी खराब कर दी क्या? अरे वापिस आ जाएगा इंस्टाग्राम। मैं कह रहा है इनकेस नहीं भी आता है, दूसरी आईडी बना लूंगा, तीसरी बना लेंगे, चौथी बना लेंगे, बना देंगे। शाबाश बेटा। लेकिन दुख तो है साला, इतने दिन से बना बना के इतना रील डाल डाल के, कोई बात नहीं, जाने तो चलता रहता है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? मिलिए हमारे भाई से, बहुत टाइम के बाद मेरे व्लॉग में दिखा अपना कॉमेडी किंग जो अवनीश हमारे चैनल पे आता है, तो बहुत हंसी आती है हम लोग को। अच्छा, नहीं पता ऐसे 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 कॉमेडी निकल नहीं पाती ना, इसीलिए ना आगे सच्चाई बार याद है कि नहीं अवनीश का हंसना और ऐसे करता है भाई को प्यार हो गया है कह रहा है, पता नहीं किससे हुआ, मुझे तो नहीं पता किससे हुआ, पर भाई को हो गया है। और क्यों हुआ है, किससे हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये हम में से किसी को नहीं पता है। वो राज राज ही रह जाएगा, वो राज राज ही रह जाएगा, और इनके सीने में ही दफन रह जाएगा और इनके साथ चला जाएगा। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार, एक तरफा प्यार एक तरफा ही रह जाएगा। इस व्लॉग का भाई टाइटल चाल देंगे, एक तरफा प्यार एक तरफा प्यार की कीमत जाने अवनीश बाबू। ठीक है, ये तो क्या तो था ना, एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो, नहीं एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये डालेंगे एक तरफ, इस पे ब्लॉग पर डाल देंगे। अवनीश को हुआ एक तरफा प्यार, लड़की ने दिया धोखा। नहीं नहीं, धोखा नहीं दिया किसी ने, धोखा नहीं दिया। लड़की का नाम रिवील करना चाहते हैं आप इस ब्लॉग में? अब ब्लॉग छोड़ो साला, मुझे नहीं पता है, बता ही नहीं रहा, पूछ रहा हूँ तो। अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे पता तो बताओ। देखो मेरी जो जनता है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पब्लिक है थोड़ी बहुत ही, जो मेरे ब्लॉग पे व्यूज आता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उनको हर एक बात की सच्चाई पता चले, सच्चाई से रूबरू करें। हाँ तो बताओ, जानना चाहती है पब्लिक। मैं देखा जानना चाहिए वो जाने ना यार। ये बॉय गाइस, आज का लगता है व्लॉग बहुत इमोशनल होने वाला है। चेहरे पे स्माइल है भाई, तुम्हारा दिल रो रहा है, तुम्हारा का दिल अच्छा है। अगर तुम्हारे प्यार में सच्चाई है, तुम्हारे प्यार में ताकत है, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको उससे नहीं मिलवा पाएगी। अबे साले क्योंकि ताकत तो सब लोग समझ नहीं पाते ना भाई, तो ताकत मत रखो, प्यार में सब समझ जाएगी। हैं सही हो ना, बैठे तो ऐसे जैसे कि आप विधायक अगला चुनाव आप ही लड़ेंगे। टिकट मिलने वाला है भाई। क्या बोला, क्या बोला? लोकसभा के टिकट की बात हो रही है, मूवी के टिकट की बात नहीं हो रही है। आपको कैसी बात करते हैं आप, फिर टिकट तो ऐसा उल्टा सीधा बात, टिकट तो टिकट, कोई भी टिकट, टिकट टू टिकट कह रहा, टिकट टू टिकट। आ गए क्या हम लोग अपने अड्डा पे, अड्डे पे आ गए हम लोग गाइस। तो भाई लोग
जिसको जिसको भी दुख हो रहा है कि मेरा इंस्टाग्राम नहीं आया है भाई, वैसे किसी को हो नहीं रहा है सब खुशी मना रहे हैं। हो रहा है क्या, बात कर रहे हो? सब खुशी मना रहे हैं भाई, मतलब अपने लोग को छोड़ के बात कर रहा हूँ, और जो मेरे चाहने वाले हैं सोशल मीडिया पे उनको तो डेफिनेटली हो रहा होगा, लेकिन कुछ हैं जो सोशल मीडिया के आतंकवादी अपने आप को समझते हैं आतंकवादी भी हैं बेचारे, तो सोशल मीडिया कह रहे हैं कुछ तो अच्छा करो, जाओ देश को बढ़ोतरी दो, सब करो, सोशल मीडिया के आतंकवादी बताइए। कोई बात नहीं, स्टारबक्स आया था मेरे साथ, और कॉफी कौन सा पी रहा है साला, एकदम वीक, मेरा बेइज्जती करा दे सर, मान यार साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले, तू भी तो टेस्ट किया ना भाई, पूरा बेइज्जती करा दे रहा मेरा, ये गया है उतरा है मेरी गाड़ी से, नहीं कॉफी अच्छी लगी मेरी गाड़ी, कुछ नहीं बनाता ये, मेरी गाड़ी से उतरा है साला, उतर के मुझे लगा जाएगा स्टारबक्स से कॉफी लेगा, कॉफी पिलाएगा, जा करके ये कॉफी लेके आया भाई, देखो इसको, ये कॉफी वाला से कॉफी लेके आया सामने एक छोटी सी दुकान से, कितने का था? कितने का था? 120। वाह सर, हम लोग जहाँ पे बैठ के कॉफी पीते हैं 340 450 का कॉफी, ये जाके लेके आया 120 का एक, अच्छा 240 पे खर्चा किया है भाई, तुम 240 पे यहाँ से जाके 150 पे और मिला देते भाई, एक कॉफी लेके आते, पैंट गंदा था इसलिए वहां गया भाई, ये देखिए पैंट कैसा पहन के आया, ये देखिए गाड़ी के चक्कर में, यही वो इंसान है जो मेरी बेइज्जती करा रहा है हर जगह हर जगह बेइज्जती करा रहा है, और मैं एक दिन मैं सोचा था कि एक गेम खेलेंगे हम लोग, सब लोग बोलते हैं कि चैलेंज वाला गेम खेलते हैं, चल कौन सा, सबको चैलेंज देता, चलो भाई देखो अपने क्या, सबको हर एक इंसान जो ये व्लॉग देख रहा है उन सबको ये चैलेंज देता हूँ, है किसी का अगर किसी के अंदर अगर हिम्मत है तो अवनीश को ऐसे थप्पड़ मार के दिखा, मार के दिखाए, कोई मार सकता है, कोई तुमको छू सकता है ऐसे, बोलो नहीं। तो मैं छू रहा हूँ, तो गाली गाली गाली, नो गाली, बीप कर, नो गाली इन माय व्लॉग, बीप 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 हो जाता है पूरे व्लॉग में, बीप बीप बीप, व्हाट इज दिस बिहेवियर चाचा, बीप से तब होता है जब प्रकाश भाई व्लॉग में रहता है, प्रकाश अपना पेडिक्योर बॉय, पेडिक्योर गाय, आज फैमिली मैन हो गया, आज फैमिली मैन है, आज गया अपने फैमिली साथ पिक्चर देखने के लिए, उसके भैया है लंदन से, बताओ मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा सुनो प्रकाश भाई बहुत अच्छी पिक्चर आई है शैतान करके, बहुत बढ़िया पिक्चर है ऐसे वैसे, ये वो खूब तारीफ करी, चलते हैं देखने, करा हाँ चलेंगे अभी आके बोलता है सुनो मैं जा रहा हूँ शैतान देखने, मैंने कहा किसके साथ, अरे फैमिली के साथ, मैंने कहा वाह वाह प्रकाश भाई वाह, तुम तो खेल गए भाई, प्रकाश भाई अपना हीरा है, खाता खीरा है और लेता भी खीरा ही है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लोटा, ये अश्लील है ये लोंडा, सॉरी प्रकाश भाई निकल गया यार, देखो भाई प्रकाश मैंने कुछ बोला नहीं है भाई, यही बोला है गाली देगा साला, यही बोला है भाई, देखो ऐसी ऐसी बातें करता है भाई तुम्हारे बारे में, देखो पीठ पीछे, लेकिन ये पीठ पीछे नहीं, ये पब्लिक के सामने वाली बात है भाई, ये व्लॉग बन रहा है पर इन सब के अलावा मुझे सिर्फ एक बात का दुख है, साला इंस्टाग्राम चला गया अबे पब्लिक इंटरेस्टेड, बट किसको किया, बट मेरा इंस्टा चला लेके जाने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा बे, मैं कह रहा हूँ 10 बार भी तुम लोग मेरा इंस्टाग्राम बैन कराओगे ना तब भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दोबारा लेकर के आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक जगह भी किसी के लिए बेकार शब्द बैड वर्ड्स मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है, एक रोस्ट किया था ब्रो, हेल्दी रोस्ट इट वॉज, और इंस्टा आ जाएगा वापिस कर दूंगा, ये मत सोचना कि मेरा इंस्टा बैन करवा करके सोचोगे कि अरे विशाल को तो हमने सबक सिखा दिया, और मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, मैंने बोल दिया था कि भाई किसी के फैंस ने मेरा इंस्टाग्राम आईडी बैन करा दिया है, तो मैं देखा उसके पे कोई कोई लोग मीम बना रहे थे कि हाँ हम लोगों ने करा दिया, अब तुम दोबारा बनाओगे दोबारा करा देंगे, और ये सारा अचीवमेंट है, ये कुछ पता नहीं क्या कर दिया, ये कुछ ये वो लोग है ना भाई
ये वो लोग हैं जिन उसको उनको पता भी नहीं होगा मेरी आईडी बैन हुई है, लेकिन अब मैंने पोस्ट डाल दिया ना तो दिखा रहे हैं सब, सोच रहे हैं अपने आप पे क्रेडिट ले लिए हैं सब कि हाँ हमने बैन करा दिया, देखो हमारी इतनी बड़ी फैंड है कि हमने बैन करा दिया। अबे चाचा चाची जाओ काम करो अपना, मुझे एक रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा सम डार्लिंग, एक रत्ती मेरे पास बहुत, मैं इंस्टाग्राम से पैसा नहीं कमाता हूँ भाई, मेरा इंस्टाग्राम सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट का एक जरिया है जो मैं एंजॉय करता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, मैं प्रमोशंस नहीं करता हूँ, कभी करूंगा तो करूंगा, अभी नहीं करता हूँ। तो मुझे इतना दुख नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो कि करा करके, और वो भी चाहे कुछ हो जाए मैं वापस लेकर के आऊंगा, मत टेंशन लो तुम लोग, ठीक है। ये सोच रहे हो कि जितने लोग विशाल का बैन कराया ना उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं इसको वापस ले आने में, ये भी समझ में आना चाहिए। जितने लोग सोच रहे हैं विशाल को इंस्टाग्राम आईडी बैन करा दिया भाई, ओ बहुत बड़े काम कर दिया है, अबे वापस लेकर के आऊंगा देखना आंखों से आंसू आएगा। बैन करा के सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी ना बैन करा के, अब तो जेन्युइन रीजन आ गया ना अब तो और बनेगा, कराओ बैन। कोई सोच रहा हो कि इंस्टाग्राम उसका वापस आ जाएगा और विशाल चुप हो जाएगा और कुछ नहीं बोलेगा, ये वीडियो डिलीट कर देगा, वीडियो डिलीट किसी के बाप में दम में नहीं है कि मेरे से करवा दे भाई। बाकी आप क्या बोलना चाहेंगे भाई मेरे वीडियो मेरा इंस्टाग्राम बैन होने के ऊपर? अरे मुझे तो इतना कुछ है नहीं क्योंकि भाई मुझे पता है वापस आएगा, क्या कर लेंगे, इंस्टाग्राम बैन करा दिया, अरे क्या है इंस्टाग्राम बैन करा दिया, बहुत बड़ी चीज कर दी क्या इन लोग, लगता है मैं इतना कुछ है करने को, इतना कुछ है करने को, इंस्टाग्राम बैन करा दिया, इन लोग लगता है कि मैं करोड़ों रुपए कमाता हूँ इंस्टाग्राम से। अरे मैं बोल रहा हूँ कमा भी रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, इंस्टाग्राम दोबारा बनेगा, तीन बार बनेगा, चार बार बनेगा, बंद तो वही है भाई, इंस्टाग्राम ब्लॉक कराना, ये कराना, वो कराना, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बना कंटेंट क्रिएटर ही होता है, बात तो सही है। और मीडियम एक नहीं है, इंस्टाग्राम मीडियम नहीं है, अच्छा मीडियम हजारों हैं, डलेगा हर जगह आएगा, ठीक है। इस भाई का इंस्टाग्राम नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे पे डाल के चलेगा भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मुझे लोग बोल रहे हैं भाई डाला है आज मेरा वीडियो डाला है भाई, तुम भी अपना ब्लॉग कराओगे क्या? मैं कहा और बना लूंगा, चार पांच आईडी बना दूंगा, और बोलो आज मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला है भाई का, भाई अपना डालता है उसके 250 व्यूज आता है, 1000 व्यूज आता है, मेरा डाला है डालते के साथ 12000 व्यूज, गलती कर दिया डालते के साथ 12000 व्यूज, मैंने कहा अरे कहता भाई देखो आज कितना आया। अब आप ये सोचिए कि इसका इंस्टाग्राम नहीं है तो इसका इतना स्ट्रेंथ है, इसके ऑडियंस की इतनी स्ट्रेंथ है कि मेरे आईडी पे जाके लोग 12000 कर दिए व्यू इसका, कितना खुश हुआ है तो मैं, अरे तुम खुश हो ना भाई कि तुम्हारा ऑडियंस कितना है, मंदिर गया है, प्रसाद चढ़ाया है, तेल चढ़ाया है शनिदेव पे, वाह। सोचो मतलब इसकी ऑडियंस इतनी है कि उनको इसके मतलब जरूरी नहीं है कि इसका बैन हो गया तो बंद। और कुछ लोग भाई, कुछ लोग ये कह रहे हैं मतलब मैं वो डाला था जो वीडियो बैन वाली की मेरा बैन करा दिया है, सब कह रहे हैं कि उनके फैंस ने नहीं, मनीषा के फैंस हम लोग हैं, हम लोगों ने बैन कराया है आपकी आईडी। मुझे पता है मनीषा के जो फैंस हैं वो कभी ये सब काम नहीं करेंगे, जो मनीषा के जेन्युइन फैंस हैं वो सब मुझे पसंद करते हैं, वो सब मुझे उनको मेरी कंटेंट्स, उनको मेरी बातें, उनको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, और अगर कभी उन लोगों को नहीं भी अच्छा लगता है वो लोग अच्छे से बोल देते हैं मुझे कि विशाल भैया ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत बोलिए ना, छोड़ी जाने दीजिए, इस चीज से इसको हेट मिलता है, इस चीज से उसको हेट मिलता है, और हमने वो चीज फॉलो भी करी है, उसमें मैं बस सुन भी लेता हूं कि मैं झलक तक किसी को रोस्ट नहीं करूंगा, बोला तो और मैंने नहीं किया, अब तो झलक खत्म हो गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आईडी चलेगी तो क्या हो गया, यूट्यूब तो है, यूट्यूब पे करूंगा। और इसके पहले वाले वीडियो में क्या बोला था, जो बनाया था मैंने शॉर्ट्स बनाया था जो, क्या था वो डायलॉग पता है ना, हम भाई देखो हम लोग ना नाग है ना नागिन, हम है सपेरे, बीन भी हमारी रहती है और धुन भी हमारी रहती है, बस नाचने वाला सामने वाला रहता है। तो बाबू फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से कि तुम बैन करा रहे हो कि रिपोर्ट मार रहे हो, तुम्हारे पास इतना खाली टाइम है कि तुम लोग रिपोर्ट मारने के लिए बैठे हो, मैं मुझे इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तुम लोग हो गया ना, बीन हमने बजाई, आईडी चालू हुई, बैन मारना चालू करो, तीन बार आईडी बैन हुई थी, तीनों बार ऑन हो गई, चौथी बार बंद हुई है तो अभी तक नहीं आई है, वो भी लेकर करके आऊंगा, लेकिन तुम लोग के अंदर इतनी चूल है, विशाल की आईडी आ रही है, बैन कर दो बैन कर दो बैन कर दो, अभी थोड़ा अपनी जिंदगी जियो, काम धंधा करो, कुछ करो, ये इंटरनेट पे सोशल मीडिया के आतंकवादी बनने से कुछ नहीं होगा, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ठीक है ठीक है।
अरे जो आईडी बैन कराना, कमेंट में आके गाली लिखना, ये सब कोई भी कर देता है भाई, ये बच्चा बच्चा कर देता है। सामने आकर के देना और सामने आके करना ये सब भी, तब पता चलेगा कि सामने वाले चाचा कौन है। पर लेकिन फिर भी आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उतना प्यार देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपके प्यार से अगर मेरा इंस्टाग्राम की आईडी बैन हो रही है ना, तो कोई चक्कर नहीं, मैं वापस स्टार्ट कर लूंगा। अरे अगर इनकेस नहीं भी होता है ना, छोड़ दूंगा, दूसरी नई आईडी बना लूंगा। लेकिन जिसको रोस्ट करना है उसको करूंगा। किसी के बाप में दम नहीं, रोक के दिखा। शाबाश बेटा। छोड़ो आईडी तो बैन हो गई, वापस भी आ जाएगी। छोड़ो इन लोगों के बारे में क्या ये सब फालतू बात कर रहे हो, छोड़ो जिंदगी और भी है। प्रकाश के बारे में आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। अपना भाई आज गया पिक्चर देखने के लिए, अपना पेडिकर बॉय। आज हम लोग सोचे कि चलो भाई आईडी तो बैन हो गई है, मैं इंस्टाग्राम तो यूज कर नहीं पा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि चलो व्लॉग में बकचोदी कर लेते हैं। वही कर रहे हैं भाई, अपना आज बेइज्जती करा दिया है। स्टारबक्स लेकर के आया और जा करके 120 रुपए कॉफी खरीद के लेके आया दुकान पे से, सारा चाय की दुकान पे से। अब एक्सपीरियंस करना चाहिए ना नई नई चीजें, तेरी ऐसी की तैसी एक्सपीरियंस की। सारा बेइज्जती करा था कहीं बैठा करके, इसको बैठा, तुम जाओ ऑटो करके घर जाओ जी। ऐसे देखिए आता है ऐसे स्टारबक्स मेरे साथ, इसका देखिए ये ट्रेंड, देखिए ट्रेंड। क्या बोला तूने? ये ट्रेंड देखिए ट्रेंड। अबे साले ट्रेंड देख रहे हैं ये, देखिए और ये देखिए, तो ये कितना कितना मैच कर रहा है, गजब बेइज्जती है। कुछ मैच नहीं कर रहा भाई, इस पे लगाऊंगा मीम। भैया भाई मैं पागल हो गया हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी बैन हो गया तो मैं एकदम खाली हो गया हूँ। और मैं डेली एक ब्लॉग डालूंगा, एकदम खाली हो चुका हूँ मैं, कोई काम धाम नहीं है मेरे पास, त्याग तो दिया दुनिया में सारा काम मैंने। मैं तो बोलता हूँ कि पकड़ के वीडियो ले आते हैं और यूट्यूब में ही ब्लॉग उसमें वो कर देते हैं, रोस्ट कर देते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का ब्लॉग, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करने में, बहुत मजा आया आप लोगों को सामने कोई चीजें बताने में। तो ऐसे प्यार देते रहिए, बने रहिए, जिसको हेट देना है वो हेट देते रहे, जिसको प्यार देना है वो प्यार देते रहे, जो प्यार दे रहा है उनके लिए और जो हेट दे रहा है उनको, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।